इनका नाम अलका है और बैच 38 स्टूडेंट। ये एक एग्जाम लगा है केजीएमयू का जिसमें फाइनली इनका नाम आ चुका है, ये फाइनल सिलेक्ट हो गई है उस एग्जाम के अंदर। तो पूरी कहानी पहले अलका से सुनते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या कहने में पढ़ाई की, कहां से पढ़ाई की, अब उनके बारे में कैसे पता चला। तो ये आई थिंक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट मोटिवेशन हो सकता है कि हो सकता है आने वाले थोड़े दिनों बाद आप भी यहीं पे इनकी तरह खड़े हों और इनकी तरह आप भी किसी दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए एक बार जोर से तालियां अलका के लिए। और अब हम सुनते हैं अलका को कि कैसे उन्होंने अपनी सक्सेस को अचीव किया है। गुड आफ्टरनून ऑल, माय नेम इज अलका, आई एम फ्रॉम कानपुर। मैंने नर्सिंग ना अपना कानपुर से कंप्लीट किया था, रामायण यूनिवर्सिटी से। एंड जब मैं नर्सिंग में थी मुझे लग रहा था यार गवर्नमेंट जॉब ना बहुत बड़ी चीज है। एंड देन मैंने सोचा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मेरा एक फ्रेंड है वो एकम के बारे में बताया। फिर भी होता है ना कि जब तक हम चीज़ों को देख नहीं लेते ना हमको ट्रस्ट नहीं होता। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखे एकम के। देन मेरे रोहित सर से बात हुई, सर बोले आप आइए एक बार देखिए और फिर उसको एडमिशन डिसीजन लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था क्योंकि मैंने यहाँ पर वीडियोज़ देख रखे थे, मुझे पता था कि मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मैं सक्सेस होके ही आऊँगी। देन मैं आई, रजिस्ट्रेशन हुआ सब कुछ, फर्स्ट क्लास मेरा जो था वो टेन सर का था। जब मैं क्लास में आई सबकी बातें सुनी, सर ने काफ़ी जो गवर्नमेंट जॉब होती है अपॉर्चुनिटी सबके बारे में एकदम डिटेल से बताया, कैसे पढ़ना है आपको, क्या करना है। मुझे लगा ना अब पक्का अब तो कुछ करके जाऊंगी। देन क्लासेस हमारी चलने लगी और हमारा जो मॉर्निंग बैच था 38, हमारा मॉर्निंग बैच चलता था। उसके बाद मैं क्लासेस चलते रहे। फिर एक होता है ना कि पढ़ने क्या ही, वही कॉलेज में पढ़ रहे थे वही यहाँ पे भी आ गए। बट होता है कि जब आप एग्जाम देते हो ना तब आपको पता होता है कि आप कहाँ पे हो। मैंने फर्स्ट एग्जाम जो दिया वो GPSL लखनऊ का था, जो फर्स्ट हुआ था उसमें मैंने 40 मार्क्स आया। मुझे लगा यार अभी तो मेरा एक महीना हुआ था, मैं एक महीने में इतना कर सकती हूँ ना, तो 6 मंथ में ना बहुत अच्छा कर सकती हूँ। देन दो मंथ ही हुआ होगा, देन दूसरा एग्जाम हुआ जो SGPSL सेकेंड हुआ था, उसमें मेरा 72 था। बट मेरा लक अच्छा नहीं था, मैंने जनरल से डाला था, मेरा नहीं। फिर मुझे लगा ना कि अब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तो कुछ अच्छा ही होगा। डेली सबके मोटिवेशन क्लासेस ना इंटरेस्ट आने लगा, अब तो लगा था कि कुछ तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद में क्लासेस चलते रहे, काफ़ी एग्जाम हुए जो मैंने क्वालिफाई किए बट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। उसके बाद में एक स्टडी रूटीन बना लिया कि ठीक है कोचिंग जाना है, कोचिंग के बाद में लाइब्रेरी के बाद अपना खुद से पढ़ना है। नो फोन, नो किसी से ज़्यादा बात कुछ नहीं, मैंने कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दिया कि अब मैं अगर कुछ करने आई ना तो कुछ करके ही जाऊँगी। उसके बाद में मैंने नॉसेट दिया, नॉसेट मैंने बी तो क्लियर किया बट मैं से मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ। उस टाइम में पता नहीं कि बहुत डिमोटिवेट हुए यार क्या होगा क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट एक उपेन सर, रोहित सर, आपका सर, सबके बहुत अच्छे अच्छे स्पीच थे, काफ़ी मोटिवेशन आ रहा था। उसके बाद में कोचिंग हमारा ख़त्म हो गया। फिर एक रूटीन था कि 8-9 घंटे पढ़ना है अच्छे से, देखते हैं आगे क्या होगा। फिर भी मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, UPMS जो सेफे का है वो भी दिया, मैंने क्वालिफाई किया बट नहीं हुआ, 1 मार्क्स मेरा रह गया था। फिर अभी मैंने KGMU दिया, उसमें मेरा रैंक तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, 4412 ही है, बट EWS मेरा 217 था। फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, सेकेंड लिस्ट में मेरा DV क्लियर आ गया, DV भी हो गया मेरा, वेरीफाइड हो गया है। देन मेरा फाइनल लिस्ट भी आ गया, आज मेरा ऑफर लेटर भी आ गया। काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम भी थे, जिस दिन मेरा जब DV के लिए आया था उस दिन मेरी दादी की डेथ हो गई थी। वो चाहती थी कि वो मुझे ना एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में देखे, बट जिस दिन मेरा आया उनका डेथ हो गया। बट मुझे खुशी थी कि जब वो गई है ना मुझे बहुत सारी प्लेसमेंट देखे गए, बहुत सारे स्ट्रगलिंग टाइम होते जब आप यहाँ आए हो ना, काफ़ी लोग यहाँ पर मिडिल क्लास से ही हो, जरूरी नहीं कि आप अच्छे घर से ही हो। मेरे पापा एक बेटा ट्रक ड्राइवर है, उन्होंने मुझे नर्सिंग कराया, यहाँ तक पहुँचाया। मेरे पेरेंट्स इतना प्राउड फील कर रहे हैं ना, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती।
तक आप जिस दिन इस जगह खड़े हो गए आपको पता चल जाएगा क्लास में क्या है। चलो तो आप लोगों ने सुना कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे जर्नी हुई, कैसे कैसे निकले। और एक मिडिल क्लास का पर्सन जो हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर होता है डेफिनेटली बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। कि हमारे घर में इतने पैसे भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा ऐश और आराम की जिंदगी जी सकें, लेकिन हाँ इतने हैं कि हम अपने जो पैटर्न है हमारे लाइफ का जो पैटर्न है उस पैटर्न को हम बहुत अच्छे से आगे रन करवा सकते हैं। और हम इतने एबल बन गए कि हम इतने काबिल हो गए हैं, हमें सक्सेस मिल गई है और हम बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो शायद आने वाली ऑफस्प्रिंग को ये बात फील ना हो कि इनके पास पैसों की कमी है। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एक करोड़पति इंसान होता है। ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एक करोड़पति इंसान है। तो जो फैमिली बैकग्राउंड इनका था अब वो नहीं रहने वाला, अब वो धीरे धीरे बदल जाएगा। धीरे धीरे जैसे बदलेगा तो इनको जो कमी फील हुई थी शायद वो आने वाले ऑफिसर को ना हो, ऐसा हम सभी लोग सोचते हैं। हमारे घर वाले भी सोचते हैं कि भाई आज ये अच्छा पढ़ने वाला है, इसको नर्सिंग करवा देते हैं। क्योंकि हम सभी लोगों में से नर्सिंग हमारी तरफ से बहुत ही कम लोग करते हैं। हम खुद ये नहीं चाहते कि हम नर्सिंग कर लें, हमें से हमें जबरदस्ती नर्सिंग करवाया गया था। लेकिन ये बात घर वालों को बड़े अच्छे से बता दी कि इनको नर्सिंग करवा देंगे तो एटलीस्ट ये इतने काबिल तो बन ही जाएंगे कि अच्छा से कमा सकते हो और हमसे ज्यादा कमाना स्टार्ट कर देंगे। हमें स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा होगा कि कहां नर्सिंग में फंसा दिया, कहां नर्सिंग में डाल दिया। लेकिन अब नर्सिंग करने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो हमें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि हाँ एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एक करोड़पति इंसान बन सकता है। तो जो उन्होंने किया था वो सच में बहुत अच्छा किया था। तो जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। और जैसे इनकी कहानी जो थी, वैसे आप लोगों की भी कहानियां होंगी। अभी आप लोग कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे देखो एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाने दो, इनके स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं थे, मेरी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आए थे वो सारे मैं आपको बता दूंगा। ये आप सोच रहे होंगे अभी मन में, सोचने को तो ये भी ऐसे सोचते थे जब ये आपकी जगह बैठा करते थे जाएंगे। लेकिन होता क्या अक्सर जो हम सोच के आते हैं वो बोल ही नहीं पाते, पता नहीं यहाँ आते कैसी एजुकेशन होती है कि मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। इवन तो मैं तो यही बोलता हूँ लिख के रखो, लिख के लेकर आओ, फोन में फोटो खींचो कि क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सब कुछ बोल दो। क्योंकि एक ही दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन हम सारी बातें बोल सकते हैं और जो जो मैंने अब तक फेस किया वो सबको बताऊं कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो तो वो दिन दूर नहीं जो आपको एक सफलता की सीढ़ी देने वाला है। इसका मतलब जैसे ये लोग कर रहे थे वैसे आप लोग भी कर रहे होंगे, आप भी घर जाके डेली पढ़ते होंगे। तो जो इन्होंने सक्सेस ली है वो सक्सेस आपको भी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। क्योंकि इस साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस साल इतनी सारी एग्जाम है, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अगर ये वैकेंसी पिछले साल होती तो शायद इस साल इतने वैकेंसी आती ही नहीं। तो इस साल अगर हमारा जो चांस में मिला है उस चांस को मिस नहीं करना है, उस चांस को हमें गेन करना है और इसी साल हमें सिलेक्शन लेना है। एनी हाउ चाहे हमें रात को 12 एक 2 बजे तक जागना पड़े, चाहे हमें 12 एक 2 बजे तक पढ़ना पड़े, लेकिन सिलेक्शन चाहिए इसी साल। अगर इस साल मिलेगा तो हमें वो सारे सपने सच हो जाएंगे जो हमने देखे थे, नहीं रात को बैठ के सोचे थे कि मैं भी एक बार जॉब लग जाऊंगा, लग जाऊंगी तो ऐसा कर लूंगा, इतने कमा लूंगा, एक गाड़ी ले आऊंगा, मोबाइल ले आऊंगा, अच्छा सा बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूंगा, मतलब बढ़िया सब कुछ दिखेगा, लोग देखेंगे कि हाँ ये पैसे वाला है। तो वो सारे सपने सभी तभी सच होंगे जब मैं गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर हूँ। और ये सपने सच हम लोगों को करने और सपनों को सच में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं उसको कितना और करना है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितना और करना है, बस इतना तो मैंने कर लिया है, इतना सा और कर लूंगा तो मेरा ये सारा काम हो जाएगा। और एक बार जब हम गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो घर वाले इतने खुश होते हैं कि वो बताते ही नहीं है बस। और सच बात तो यह है कि इन्होंने अपने घर पे अभी तक बताया भी नहीं कि मेरा फाइनल ऑफर लेटर आ गया। मतलब अब जो सोचो जरा एक बार कि जो उनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो एक्सपायर हो गई है, लेकिन जैसे ही अपनी बात उनके सामने रखेंगे कि लेकिन मेरा ऑफर लेटर भी आ गया, मेरी ज्वाइनिंग होगी, तो शायद वो चीज उनको थोड़ा सा बैलेंस कर दे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो पर्सन हमारे साथ नहीं, लेकिन इनको बहुत खुशी मिली है कि इनकी नौकरी लग गई है और अब वो थोड़ा सा अपने आप को कंपनसेट कर सकते हैं। तो जब ये खुशी उनके पास आती है कि भाई ये गवर्नमेंट नौकरी लग गई है, इनके लाइफ सेट हो गई है, क्योंकि हमारे घर वाले मदर फादर जो है, जो पेरेंट्स हैं, उनका सिर्फ एक ही सपना है कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाए बस। उनको आप लोगों से बहुत सारे पैसों की उम्मीद नहीं है,
वो आप लोगों से कभी उम्मीद नहीं करते कि 2-4 करोड़ मुझे देके जाए या 2-4 करोड़ लोग मुझे दे दें। सिर्फ उनका एक ही सपना है कि इसकी सरकारी नौकरी लग जाए, बस ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, उसके बाद इसकी लाइफ इसके हाथों में है, हमारा काम हो जाएगा बस। क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी वैल्यू क्या है उनको अभी से पता है। आई थिंक जो हम सोचते हैं वो उन्होंने बहुत पहले सोच रखा है, हम आज सोच रहे हैं पता नहीं उन्होंने पहले कभी सोच लिया होगा कि इसकी नौकरी लग जाएगी, 7-2 साल का टाइम उसको देंगे, उसके बाद इसको बोलेंगे टाटा बाय बाय, अलविदा कर देंगे, मतलब जो भी है शादी वादी करना हो उसके अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे, फिर ये जाने इसकी जिंदगी जाने। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तुम भी इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करो, इस सोसाइटी में सर्वाइव करो, इस कम्युनिटी के अंदर सर्वाइव करो, और सर्वाइव करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज स्टार्ट होती है एक गवर्नमेंट जॉब से। जिस दिन गवर्नमेंट जो आपके हाथ में होगी उस दिन आपकी कम्युनिटी के लोग, आपके सोसाइटी के लोग आपको इतनी रेस्पेक्ट देंगे आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि रातों रात खेल बदल गया। कि जैसे पता चलेगा यार ये एम्स में काम करता है या एम्स में काम करती है, वो लोग तुम्हें 10 बार अच्छा नमस्ते, हर रोज विश करना, हर रोज कभी ना कभी कोई मैसेज फोन पे डाल देना, मतलब उनको वो कम्युनिकेशन बढ़ाना है। लेकिन अभी नहीं करते, अभी उनको पता है कि कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे नौकरी लगी सब कुछ बदल गया। और ऐसा ही अकोन में अक्सर होता है कि अकोन में आने से पहले, अकोन में जाने के बाद क्या लाइफ थी, क्या लेके आया था, क्या लेके जा रहा हूं, दो ही शब्दों में लाइफ बयां होती है कि आने से पहले मैं क्या था और आने के बाद में क्या था। आने से पहले क्या थे आप, अब जाने के बाद आप क्या बन जाओगे ये आपको भी नहीं पता। कि जैसे मैं अकोन पास करूंगा, जैसे मैं मेरे कोर्स को कंप्लीट करूंगा, मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, रेगुलर पढ़ाई की, रेगुलर क्लास में आया हूं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसा मौका है जो आपको इतना कुछ देके जाएगा कि एक एग्जाम नहीं, एक एग्जाम, दूसरे एग्जाम, तीसरे एग्जाम, 4-5 एग्जाम निकाल लोगे और पड़ोसी बोलेगा बस सर कितनी निकालेगा, अब क्यों सीट खराब कर रहे हैं। तो ये जो चीज आपको मिलने वाली है वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बेस्ट फैकल्टीज है, सब कुछ दी बेस्ट है। सिर्फ कमी है तो हमारी कि हमें अपना दी बेस्ट करना है। अगर सब कुछ बेस्ट के साथ अगर हमारा दी बेस्ट ऐड हो जाएगा तो सब कुछ बेस्ट से बेस्ट और ब्लास्ट होगा। और वो ब्लास्ट जो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूं क्या, एक नहीं 2-3-4-5 लगातार एग्जाम दिए जा रहे हैं, लगातार एग्जाम निकले जा रहे हैं। अगला टारगेट इनका नॉर्थसेट है और एक बार एग्जाम मिलने के बाद अगला टारगेट बहुत जल्दी अचीव होता है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एक बार हाथ पहुंच जाए बस अच्छे से पकड़ लूंगा, तो एक बार हाथ पहुंच गया और हाथ पहुंचने के बाद अच्छे से उन्होंने पकड़ लिया है, अब एकदम अपने आप निकलेंगे। तो सीढ़ियां एक बार चढ़ना स्टार्ट करनी होती है, सीढ़ियां ऊपर अपने आप जाई जाती है, धीरे धीरे चढ़ते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। तो वही काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को भी हम यही बोलते हैं, जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है वैसे इनको भी बताया गया था कि इतने क्वेश्चन निकालने होते हैं, इतना करना होता है, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है, सब कुछ आप लोगों को वैसे बताया जाता है जैसे इनको बताया गया। तो नया है, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। और ये चीज आपको तब रियलाइज होती है जब आप एक ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब पे बन जाते हैं, तब याद आता है कि यार अकोन के भी क्या दिन थे, जब मैं वहां बैठा करता था, बैठी करती थी तो वहां पे लोग आते थे, हम वहां पे सुनते थे उनको, तब हम भी सोचते थे कि हम भी ऐसे बनेंगे, देखो आज हम बन ही गए हैं, तो हम भी कभी चलेंगे, हम बच्चों को बोल के आएंगे। तो ये कहानी होती है, बस देरी है सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन की जो आप लोगों का बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद अकोन आपको एक ऐसी ट्रॉफी देता है, ये तो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी नहीं, ये अकोन की यादें हैं, ये आपका अचीवमेंट है। हो सकता है कि इस ट्रॉफी की वैल्यू अगर मैं पैसों के रूप में बोलूं तो 100, 200, 300, 500 रुपए होगी, लेकिन ये ट्रॉफी आपकी लाइफ में प्राइसलेस है। आपने बहुत सारी ट्रॉफी अचीव की होंगी, आपने अपने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज टाइम पे बहुत सारे ऐसे मेडल्स, ट्रॉफी आपने ली होंगी, लेकिन अब जो ये लास्ट आपके लाइफ का ट्रॉफी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको लाइफ एस्टेब्लिश करनी है, आप लाइफ को अच्छे पायदान पे खड़े कर चुके हैं, और इस पिछले लाइफ का सबसे बेस्ट जो अवार्ड है वो सिर्फ ये है, ये बिल्कुल प्राइसलेस है। और ये ट्रॉफी मुझे पता है कि अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों का एक सपना होगा कि मेरे घर में भी एक ऐसी ट्रॉफी तो रखी जाए। हाँ या ना? Yes, और आप सब लोग इसके लिए मेहनत कर रहे होंगे। Yes, कि हमें भी लास्ट में ऐसी ट्रॉफी मिल जाए तो मैं भी घर के बिल्कुल जो मेरा हॉल है घर का उसके शोकेस में लगा के इसको रख दूंगा, कोई आएगा तो देखेगा ओह अकोन रैंकर्स वेरी गुड, इसका मतलब आपने कुछ अचीव तो किया है। और ये वो ट्रॉफी है जब कभी 5-10 साल निकल जाएंगे
और 5-10 साल निकलने के बाद आप बहुत सारी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेटल रहेंगे, एक बड़ी फैमिली के साथ रहेंगे, तो कभी बारिश के दिनों में आप बाहर बैठ के चाय जब पी रहे होंगे तो आपकी ट्रॉफी में नजर जाएंगी कि बाहर बहुत तेज झमाझम बारिश चल रही है, हमारे हाथ में चाय का गिलास है, और जब चाय का गिलास हमारे हाथ में है तो हमारी नजर घूमते आपके हॉल में गई, और जैसे नजर इस पे गई हल्की सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ गई। यार वो भी क्या दिन थे जब मैं रात को 12-12, 2-2 बजे तक पढ़ा करता था या पढ़ा करती थी। मैं 6 महीने सोमनगर में रहा, वहां बहुत सारा मेरा चेंज हो गया, मेरी बॉडी का वेट लॉस हो गया, पूरे बाल टूट के गिर गए, मैं बीमार हो गया था बार बार, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, लास्ट में तो मैं ये लेके आ गया। और ये वही चीज है, जैसे आप हल्का सा मुस्कुराओगे तुरंत आपके फैमिली मेंबर्स या जो भी आपकी ऑफिस में होगी, वो जो भी आपके डॉटर या सन होगा, पूछेगा क्या बात है, कैसे मुस्कुरा रहे मम्मी। तो आप यह बोलोगे कि देखो इसके पीछे कुछ राज है, इसके पीछे जो राज है वो राज ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी लाइफ डिसाइड कर दी, कि ये जैसे मेरी लाइफ में आई उस दिन से मेरी लाइफ कुछ अलग ही हो गई, पहले कुछ अलग थी अब कुछ अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उस दिन का वेट कर रहे होंगे कि मेरे घर में भी कैसे ट्रॉफी आए, और ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी है, जब तक मैं इसको संभाल के रख सकूं तब तक वो टाइम मेरे लिए बहुत कम है। तो ये आप लोगों को भी मिलने वाली है, बस कोशिश करो कि ये आप लोगों को बहुत जल्द मिले। जितना आप कर रहे हैं उसको लगातार करते रहो, जितना कर रहे हो उसको अगर लगातार करते रहोगे तो एक ना एक दिन ये बहुत जल्द आपका हो जाएगा, और ये जिस दिन आपकी होगी उस दिन आप खुद इतना कुछ बोलने वाले होंगे कि बहुत सारी बातें बोल दूंगा, इन्होंने ऐसे ऐसे बोला, इन्होंने ये किया था, लेकिन जैसे इसको देखोगे बार बार सोचोगे अब क्या ही बोलूं, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। तो ये आज ट्रॉफी इनकी होने वाली है, ये ट्रॉफी आज इनको मिलने वाली है, तो मैं मैडम से बोलूंगा कि वो आए और वो ट्रॉफी दें। मैडम